पट्टन मेट्रो प्रोजेक्ट के जिस साइट पर बीती रात हादसा हुआ, वहां पर ऐसे बोर्ड तमाम जगह पे लगे हुए हैं। ये बताता है कि अंदर प्रवेश करने की मनाही है, सेफ्टी मेजर्स जो हैं उसके पालन किए बगैर। लेकिन क्या वाकई सेफ्टी का ध्यान रखा गया? जो लोको ऑपरेटर थे उनकी मौत हुई और साथ ही साथ जो दूसरे मजदूर हैं उनकी भी मौत हुई है, लेकिन इस लोको ऑपरेटर काम दरअसल क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हमारे साथ इसी साइट पर डे शिफ्ट में काम करने वाले अवनीश हैं। अवनीश, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम भी लोको ही चलाते हैं, और कल मैं नाइट में यहाँ पे जब दुर्घटना हुआ तो मैं 9:30 बजे आया था। तो यहाँ पे जब आया देखा तो जो लोड लोको था वो अंदर से लोडिंग करके आया था, लेकिन उसको रिटर्न भेजा गया था, और रिटर्न भेजने की वजह से वहाँ पे अंदर में वो डाउन ज़्यादा है, ट्रैक हमारा डाउन होने की वजह से वो ब्रेक फेल हुआ और सीधा लोको गया टर्नल के अंदर में। और बैकअप में भी कुछ आदमी थे और लोको ऑपरेटर अंदर में था। और TBM में क्या है कि लोको जब जाता है तो इधर से उधर कहीं भी, या मतलब अपना सिर भी निकाल के हम देख नहीं सकते क्या हरकत चल रहा है। हम जो भी है कैमरा के जरिए हम हर चीज़ वहाँ पे उसको देखते हैं, लेकिन उस टाइम क्या ब्रेक फेल होने से डायरेक्ट अंदर स्पीड उसका ज़्यादा हुआ गया। अंदर में भी जो लोग थे वो भी काफ़ी चोट लगी उनको, ऑपरेटर तो शायद यहाँ पे ही डेथ कर गया था। और दो दो लोग अंदर में फंसे थे, एक जो उड़ीसा के सारे ऑपरेटर, ये ऑपरेटर और ये हेल्पर जो भी थे उड़ीसा के ही थे, और इधर बिहार के दो लोग हैं। बस कारण यही था कि इसका जो ब्रेक फेल हुआ इसकी वजह से सारा हादसा हुआ। सेफ्टी को लेकर के आप लोग जब लोको जो चलाते हैं तो आप लोग क्या किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, या इसको चेक करने वाले कौन से लोग होते हैं? जैसे ये हम लोगों का ये काम रहता है चेक करने का, लेकिन अगर हम लोग से कोई प्रॉब्लम इसमें लोको में आता है तो हम लोग ऊपर मेन पावर में बताते हैं कि लोको में ये दिक्कत है, लेकिन थोड़ा सुनवाई कम होने की वजह से, कम क्या ना के बराबर है, नहीं हुआ। और फिर भी लोको चलाना है, नहीं चलाना है तो उस पर भी काफ़ी आपत्ति है कंपनी से हो जाती है। बताया जा रहा है कि इस लोको से पहले भी हादसा हो चुका है। हाँ, इस लोको से एक बार हादसा पहले भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ था, वो अहमदाबाद में हुआ था। हम अवनीश चाहेंगे थोड़ा आप हमारे साथ चलिए और आगे तक दिखाइए। हमारे सहयोगी नदीम दिखा रहे हैं, ये वो साइट है जहां सीढ़ियां हटा दी गई हैं, और ये लगभग ये कितना अंदर होगा TBM जो काम कर रहा है यहां पे, और कितने अंदर मजदूरों के साथ हादसा पेश आया? अभी इसमें 6 लोग आए हैं इस चपेट में, जिनकी अभी 2-3 लोगों की मौत बताई जा रही है, बाकी गंभीर हैं। लमसम ये अभी 200 मीटर अंदर गया होगा और ये यहाँ से डायरेक्ट जाएगा गांधी मैदान। ये गांधी मैदान तक जाना है इसको पटना यूनिवर्सिटी से लेकर के। और देखिए इस वक्त हम एकदम उस TBM मशीन वाले टनल एरिया के ठीक ऊपर हैं और आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए ये वो इलाका है जहां पर अंदर TBM जो है वो काम करता है, और यहीं पर चूंकि इस वक्त यहां से अवनीश बता रहे हैं कि यहीं से हम लोग उतर करके नीचे जाते हैं लोको तक, और बाकी सीढ़ियां नीचे होती हैं। फिलहाल उन सीढ़ियों को हटा लिया गया है, और ये बताया जा रहा है कि अंदर बहुत स्पेस कम होता है, तो लोको अगर इंक्लाइन मोड ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा झुकाव था नीचे की तरफ, इसकी वजह से भी शायद हादसा हो सकता है, और जगह बचने की बिल्कुल नहीं होती। जगह नहीं होता उसमें, क्योंकि हमारा रिंग आकार में लगता है, ये जो हमारा टर्नल है ये रिंग आकार में रहता है, तो उसके थोड़े से ऊपर तक हम वाकबे चाली चलने के लिए उसको जाली भी बनाते हैं। और ट्रैक के बाद अगर हम TBM के अंदर एंट्री करते हैं लोको लेके, फिर हम इधर उधर कहीं नहीं निकल सकते, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं रहता उसमें। रास्ते में जो लोग होंगे उनको भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, दिक्कत होती है, जैसे हम लोग TBM के अंदर ऐसे मैन्युअली घुसते हैं तो अपना सब सेफ्टी पर्पज हॉर्न बजा के सब कुछ चेक करके, कैमरा कोई आगे है नहीं पीछे है नहीं, वो सब देख के चलते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक का कोई इशू आता है तो टर्नल के हिसाब से, तो फिर अंदर में तो फिर वो हम कुछ नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट अंदर ही जाके ठोकेगा, फिर ऑपरेटर भी जाएगा, जो अंदर रहेंगे वो भी जाएगा, फिर बचने का उसमें कोई चांस नहीं रहता। ये देखिए अवनीश हैं लोको ऑपरेटर हैं, और इसी तरह के लोको ऑपरेटर जो है वो विजय अंदर कल ऑपरेट कर रहे थे, तमाम मजदूरों की मौजूदगी की थी जहाँ पर ये हादसा पेश आया। और इस वक्त हालात ये हैं कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के इस साइट पे काम रुका पड़ा है, कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस ने बता दिया है कि 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि अभी भी जो यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं उनका यह दावा है कि कई लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। सीढ़ियाँ हटा ली गई हैं जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से, तो जाहिर तौर पे कोई नीचे जा नहीं सकता है। लगातार हम आपको उस बड़े हादसे वाली जगह से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां बीती रात पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में मजदूरों की मौत हो गई। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।